Hi guys, this is Ankira from Junior Study Channel. Don't mock up, try to build a professional and logical study. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं RRB अहमदाबाद के बारे में. आप हम देख सकते हैं ये RRB अहमदाबाद का ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे कॉर्नर में दिखेगा रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी 2 CEN नंबर 01/2018 आफ्टर डिग्री. डिग्री के बाद यानी कैटेगरी 2 यानी जो डीजल लोको पायलट्स हैं उनका ये आपको आया है. पैनलिस्ट जारी हुआ है जी. तो चलिए पैनलिस्ट हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है. तो यहाँ पे देखते हैं कि पैनलिस्ट खोलने पे हमको दिखाया जा रहा है कि अहमदाबाद का कैटेगरी 2 यानी ये डीजल लोको पायलट्स का पैनलिस्ट जारी हो चुका है जी. इसमें लिखा है कि 217 कैंडिडेट का क्या किया गया है जी. पैनलिस्ट में जारी किया गया है ये मेरिट वाइज नहीं है, असेंडिंग वाइज रोल नंबर जो असेंडिंग ऑर्डर में जारी किया गया है तो मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है. इसके बाद अब पैनलिस्ट जारी हो चुका है, इसका मतलब है इसके बाद से अब वेस्टर्न रेलवे जो चर्च गेट मुंबई में है उसके मैनेजर से अब डायरेक्ट इनका क्या होगा जी, आपको जारी किया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर. इसके बाद पढ़ते हैं आगे. इसमें लिखा है ईवर कैटेगरी का 107 कैंडिडेट का क्या क्या है रिजल्ट जारी किया गया है यहाँ देख सकते हैं. और फिर से बताया रहा है कि ईवर कैटेगरी में ही 86 कैंडिडेट का वैकेंसी क्या किया गया है विथ हेल्ड रखा गया है जी, यानी रोक के रखा गया है 86 को. चलिए आगे देखते हैं ओबीसी का है. ओबीसी में बता रहा है कि 60 कैंडिडेट का रिजल्ट दे दिया गया है और ओबीसी में 33 वैकेंसी जो क्या है विथ हेल्ड रखा गया है यानी रोक के रखा गया है जी. वैसे ही आते हैं एससी कैटेगरी में. तो एससी कैटेगरी में क्या है 33 कैंडिडेट क्या है जी, उसका रिजल्ट दिखा दिया गया है, पैनलिस्ट फर्स्ट में आ चुका है और 21 कैंडिडेट क्या है जी विथ हेल्ड पोजीशन में है. वैसे ही आप देख सकते हैं रिजल्ट एससी का है, वैसे ही एसटी का है, 8 कैंडिडेट को रोका गया है जी और एसटी का 17 यानी 17 कैंडिडेट का रिजल्ट दे दिया गया है. उसके बाद आगे लिखा है इट मे बी मेरली इन पैनल कैंडिडेट डज नॉट हैव एनी वे इन टाइटल हिम हर टू एनी अपॉइंटमेंट इन द रेलवे एज द इंपैनलमेंट प्योरली प्रोविजनल, यानी ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है फुल्ली, ये प्रोविजनल है सब्जेक्ट फर्दर वेरिफिकेशन एंटीसीडेड थ्रिटी अपॉइंटमेंट लेटर भी. अच्छा ठीक है जी. आगे कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर जो कैंडिडेट को इश्यू किया जाएगा वो वेस्टर्न रेलवे द्वारा किया जाएगा. वाइल यूर कीप द प्रिपेयरिंग एवर रिजल्ट RRB अहमदाबाद रिजर्व राइट टू रेक्टिफाई एडवर्ट. ठीक है जी. इसमें कोई भी अगर गलती होगा तो वो RRB अहमदाबाद इसको रेक्टिफाई कर सकती है. बस तो ये RRB अहमदाबाद के चेयरमैन का साइन वगैरह है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल कितने सीट थे जी, 356 सीट था अहमदाबाद में, जिसमें से पैनलिस्ट में 217 हो गए टोटल जनरल का, OBC ST सबका मैंने मिला दिया. और विथ हेल्ड में कितने रखे गए तो 148 को रखा गया. सब आप ऐड कीजिएगा SC ST OBC वाला विथ हेल्ड वाला तो आपको आएगा ये 148 कैंडिडेट. तो अब देखिए अब हेल्ड क्यों रखा गया ये तो पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट DB में अब्सेंट हो और कुछ कैंडिडेट मेडिकली अनफिट हो चुके हैं या मेडिकल में अब्सेंट हो या और भी कोई रीज़न हो सकता है जो RRB अहमदाबाद ने यहाँ मेंशन तो नहीं किया लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब देखिए पैनलिस्ट आपका 1 जारी हो चुका है तो पैनलिस्ट 2 भी संभावना है कि जल्द ही जारी होगा. और आप देखिएगा तो जैसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे कम वैकेंसीज वाले जो जोन्स हैं, जैसे RRB जम्मू कश्मीर था, सिलीगुड़ी था, पटना था, मुजफ्फरपुर था, वैसे ही अब अहमदाबाद का पैनलिस्ट जारी हो चुका है. ऐसे ही धीरे धीरे जो भी छोटे यानी स्मॉल वैकेंसी है जहाँ पे कम वैकेंसी वाले जोन्स हैं वहाँ पे क्या किया जा रहा है पैनलिस्ट जारी किया जा रहा है. इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी कहीं कहीं आना स्टार्ट हो गया, जम्मू कश्मीर का आना स्टार्ट हो गया, सिलीगुड़ी का आना स्टार्ट हो गया जी. तो ऐसे देख सकते हैं और आगे जैसे ही पैनलिस्ट 2 जारी होता है तो आपको इन्फॉर्म चैनल के द्वारा किया जाएगा. तो बस यही आपको मैसेज देना था. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.